सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है हम लोगों का एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस आर्टिकल को करने से पहले आप लोग दो रिजल्ट्स जरूर अपने माइंड पे रखिए कि एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब डायपोल शॉर्ट होगा। अगर आपकी एक्सियल लाइन है तो जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी 2p ओवर 4π ε0 r³, और इक्वेटोरियल पे मिलेगी p ओवर 4π ε0 r³। ये दो रिजल्ट आप लोग जरूर अपने माइंड पे रखें। आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ये है हम लोगों का शॉर्ट डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट में। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देखोगे तो कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो किसी और पॉइंट पे लेंगे, ना हम एक्सियल पे लेंगे ना इक्वेटोरियल पे, कहीं और पे। सपोज कीजिए मैं पॉइंट पी लेता हूँ इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट पी है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। डायपोल के बिल्कुल सेंटर से ये आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, और ये एंगल जो है ये है थीटा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, विच मीन्स ये है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन होगी इस तरफ पी। अगर पी के कंपोनेंट्स बनाएं, पी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और अगर मैं पी के कंपोनेंट बनाऊं तो जिस तरफ एंगल थीटा है ये है पी, और इस तरफ है एंगल थीटा, तो इस तरफ कंपोनेंट बनेगा पी कॉस थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर मैं लूं तो बनेगा पी साइन थीटा। तो ये हैं कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। नेक्स्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से इस बात को सुनना, जो पॉइंट पी है वो पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल लाइन पे है, क्योंकि पी कॉस थीटा जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में पॉइंट पी है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो उस डायरेक्शन में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल लाइन। इधर हम लोग ये है पी, और पी के मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूं वो है पी कॉस थीटा, बिल्कुल माइंड पर रखना, ये पॉइंट पी नहीं, पी कॉस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ। पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी है एक्सियल पे, बिकॉज इट इज इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है। सो इस करके पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, क्योंकि आप लोग अगर आर्टिकल रीड करेंगे एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये पी कॉस थीटा की तरफ ही ई की ई वन जिसको मैं बोल रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और वो होगी कितनी, ई वन कितना होगा, ई वन, तो ई वन का जो मैग्नीट्यूड होगा, आप लोग ये एक्सेल का रिजल्ट जरूर माइंड पर रखें, टू, लेकिन पी नहीं होगा इस बार, इस बार होगा पी का कंपोनेंट पी कॉस थीटा ओवर 4π ε0 आर क्यू। ठीक है, 2π cos थीटा ओवर 4π ε0 आर क्यू। और जो ई टू है, फिर से देखिएगा, ई टू क्या है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंपोनेंट, विच कंपोनेंट, पी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो पॉइंट पी इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन फॉर पी साइन थीटा, क्योंकि पी साइन थीटा है इस तरफ और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये, इस तरफ परपेंडिकुलर। सो 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, उसके 90 डिग्री पर है ये कंपोनेंट। ठीक है, एक बार इस तरह से देखिए, ये है पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, और ये है पॉइंट पी, तो 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री पे है तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो रिजल्ट यूज करेंगे इक्वेटोरियल लाइन और शॉर्ट डाइपोल का रिजल्ट, तो पी साइन थीटा ओवर 4π ε0 r³।
याद रखिएगा ये रिजल्ट मैंने प्रीवियस आर्टिकल्स के यूज किए हैं, लेकिन इस आर्टिकल पर कंपोनेंट जरूर लिखिए, पी ना लिखना, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, क्योंकि पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी है एक्सियल पे और पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी है इक्वेटोरियल पे। तो ई टू की डायरेक्शन क्या होगी, आप लोगों को प्रीवियस आर्टिकल में आपने देखा होगा कि जो डायरेक्शन होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ और बिल्कुल इसके पैरेलल। अच्छा अब बात करें कि E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करें, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। जो E नेट मिलेगा वो होगा आप लोगों का E नेट दैट इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E2। तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो होगा 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको लिखूंगा cos ऑफ 90 डिग्री अंडर रूट, तो cos 90 होता है 0, तो उस करके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 बन जाएगा प्लस के आगे, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग लिख सकते हैं E1 square plus E2 square, जब भी दो एंगल 90 डिग्री के हों तो आप लोग E1 square plus E2 square ही लिखें, क्योंकि उसके आगे cos की वजह से वो next part 0 बनेगा। तो E1 की वैल्यू कितनी है, that is 2P cos theta over 4 pi epsilon naught R cube, और उसका कीजिए आप लोग square, और next है P sin theta over 4 pi epsilon naught आर क्यू और उसका भी स्क्वायर एंड देन अंडर रूट एंड देन अंडर रूट। तो बेसिक इसमें से बेसिक मैथ्स लगाएंगे और कंपोनेंट्स जो कॉमन मिलेगा और स्क्वायर होने की वजह से उसको आउट ले लेंगे अंडर रूट से। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू दोनों साइड है, आउट लेंगे इसको तो अंडर रूट से आउट मिल जाएगा ये इस तरह से, और ऊपर भी आप लोगों का पी और पी पी स्क्वायर कॉमन और अंडर रूट से आउट मिलेगा पी, और अंडर रूट के अंदर बचेगा टू स्क्वायर दैट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप बेसिक मैथ सा इस पर देखिए किस तरह से अप्लाई करेंगे, दैट इज पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और अंडर रूट के अंदर आप लोग देखिए मैं इसको लिखूंगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये था 3 बार कॉस स्क्वायर थीटा लेकिन चाहिए 4 बार, तो एक और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले से पढ़ा हो। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेसिक आइडेंटिटी सबको पता होगी, तो जो ई नेट हम लोगों को मिलेगा, जो E नेट हम लोगों को मिलेगा इसी पॉइंट पर आप लोग देख लो, E नेट जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा दैट इज P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और अंडर रूट पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये होगा E नेट का रिजल्ट, क्योंकि ये फॉर्मूला लगकर ये मिल जाएगा। तो इतनी फाइनल हम लोगों को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी इतनी, दैट इज पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन पता करने के लिए आप लोगों को टैन अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ई नेट तो आ गया आप लोगों का, ठीक है, इधर भी मैं इस रिजल्ट को लिख देता हूँ ई नेट, और ये तो 1 बन रहा है बेसिक, ये है ई नेट। तो E नेट की वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है इतनी, लेकिन इसकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ E नेट दैट विल बी इक्वल टू टैन ऑफ अल्फा, एंड टैन ऑफ अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैन होता है आप लोगों का परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हुआ ये, ठीक है ये, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये पोर्शन इक्वल हुआ E2 पे, ये और ये दोनों इक्वल, तो इसको मैं लिखूंगा E2।
विच मीन्स इट विल बी इक्वल टू ई टू ओवर बेस, बेस है ई वन, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ई वन। सो ई टू की वैल्यू आप लोग देखें, दैट इज पी साइन थीटा ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ई वन है टू पी कॉस थीटा ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सो ये कैंसल आउट, पी से पी, तो इधर बच रहा आप लोगों का वन ओवर टू। सो टैन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू वन ओवर टू, देखिए वन ओवर टू, और साइन ओवर कॉस दैट इज टेन थीटा। तो ये होगी आप लोगों की डायरेक्शन, टैन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू वन ओवर टू टेन थीटा। तो ये है आप लोगों की डायरेक्शन। इसी नेक्स्ट इस पर छोटे छोटे केसेस और आएंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कि सपोज कीजिए, केस देखिए इसमें, केस वन, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो क्या मतलब हुआ इसका? देखिए थीटा क्या है, थीटा है आप लोगों का ये और पी के बीच का एंगल, पी और पी कॉस थीटा का एंगल, ठीक है, ये मेरे दो हाथों के बीच का एंगल, वो है थीटा। तो जीरो का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस एंगल को इस तरफ ले जाऊं तो ये इंक्रीज होगा इस तरफ बढ़ता हुआ, ये 90, फिर 120, फिर इस तरफ जाते जाते फाइनल ये 180 चला जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर मैं इस तरफ जाऊं तो डिक्रीज होगा, ये 90 से कम, फिर 45, फिर एक पॉइंट ऐसे आएगा जिस पॉइंट पर होगा ये जीरो। सो थीटा जीरो का मतलब है इस लाइन पे, विच मीन्स एक्सियल पे, एक्सियल लाइन पे जब होगा ये पॉइंट पी, अगर इधर मैं रखूँ तो एंगल आपका जीरो डिग्री जाएगा। अगर थीटा जीरो होगा तो ई नेट कितना मिलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, देखो पी ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इधर आप लोगों का जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, तो थ्री इंटू वन इज थ्री, एंड थ्री प्लस वन फोर, और अंडर रूट फोर होगा टू। तो ये सारी वैल्यू जब थीटा के लिए आप लोग जीरो पुट करोगे, ये सारा आपका टू आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ दैट इज टू। और अगर आपको ये रिजल्ट याद हो तो ये रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। और केस वन और इसी का केस टू आप लोग देखें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो फिर ई नेट क्या होगा, तो अगर 90 डिग्री में डालूं तो पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब तो आएगा, और इस पॉइंट पर आप लोगों का थीटा की वैल्यू 90, तो कॉस 90 होता है जीरो, कॉस 90 जीरो, तो जीरो प्लस वन इज वन और अंडर रूट वन इज वन, सो इट विल कम वन, और वन इंटू पी इज पी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आप लोगों को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। लेकिन 90 का मतलब क्या हुआ, 90 का मतलब आप लोग देखिए, ये था आप लोगों का थीटा, इस तरफ गए, इस तरफ गए तो जीरो, इस तरफ आएंगे तो 90, ये है 90, 90 का मतलब होगा इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, 90 डिग्री का मतलब ही हुआ इक्वेटोरियल लाइन। तो ये रिजल्ट भी आप लोग देखें तो इक्वेटोरियल लाइन का ही रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, पॉइंट पी इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो ये इक्वेटोरियल लाइन के ही रिजल्ट पड़े हुए हैं। आप लोग ये आर्टिकल जरूर प्रैक्टिस कीजिए बार बार, इसकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सेकंड, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर कीजिए, हर एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे, चाहे आप नीट की तैयारी करें या जेई की तैयारी करें। तो आर्टिकल से अपना कंसेप्ट बनाएं, देन डेली कम से कम 20 प्लस न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करें। थैंक यू।